और सांगली ज़िले के सिराथू तहसील के मेवहारा गांव के बीचों बीच एक घर में अजीबोगरीब वारदातें हो रही हैं, जिससे पूरा गांव ही नहीं आसपास के गांव के लोग भी हैरान हैं। घनश्याम मिश्रा की मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी अपने दो बहुओं और उनके बच्चों के साथ रहती है। पिछले एक हफ्ते से उनके घर में जो घटनाएँ होती जा रही है, उसके चलते घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों को गए के यहाँ जीवन बिताना पड़ रहा है। दरअसल उनके घर में अचानक से आग लग जाती है, जिससे उनकी गृहस्थी जलकर राख हो जाती है। आग घर के किसी भी कोने में बिना किसी के लगाए लगती है। दो मंजिला इमारत में कभी नीचे तो कभी ऊपर की ओर कहीं भी लग जाती है। अभी तक उनके घर में लाखों का नुकसान हो चुका है। उपयोग के अधिकतर सामान जल चुके हैं। एक हफ्ते पहले उनके घर के बाहर रखे भूसे के बोरे खुद से सड़क पर आकर रख गए। घर का बना हुआ भोजन घर गायब होकर घर के पीछे मिलता है। गौर करने वाली बात यह है कि आग दिन में ही लगती है, रात में कुछ नहीं होता। सुबह 8 बजे से सूरज डूबने तक यह घटना होती है। घनश्याम की पत्नी कनकलता मिश्रा इस बात से काफ़ी डरी सहमी हुई है। उन्होंने बताया कि कोई दिखाई नहीं देता और ना ही किसी प्रकार की आवाज़ ही आती है। एक दिन में 15 से 20 बार आग की घटनाएँ होती हैं, जिससे पूरा परिवार सहमा है। इस बात से गांव में अनेक बातें हो रही है। कोई कहता है जिन है, भूत है, या तो किसी प्रकार का दैवीय प्रकोप है। सबसे ज़्यादा भयभीत तो उस घर के पड़ोसी हैं। पड़ोसियों ने बताया कि किसी भी समय घर से धुआं निकलने लगता है, आग के लपटें भी दिखाई देती है। कभी कभी तो आग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दमकल विभाग की सहायता लेनी पड़ती है। दमकल जाने के बाद पुनः आग लग जाती है। पड़ोसियों ने अपने समरसेबल से भी कई बार आग बुझाई है। कनकलता मिश्रा के घर में कोई भी पुरुष नहीं है। दो बेटे प्रदेश में काम करते हैं, उनकी पत्नी और बच्चे उस घर में रहते हैं। मेवहारा के इस घर के बाहर अब एक मेला जैसे भीड़ लगी रहती है। जी, जो है मेरे घर के ठीक सामने एक घनश्याम मिश्र का घर है, जिस घर में जो है हफ्तों से बराबर जो है उत्पात हो रहा है। जैसे कि उनका जो है भूसा जो है खींच ले जाते थे कोई आदमी, तो पहले शुरू में हम लोग ये सोच रहे थे कि जो है क्या कहते हैं ये बच्चों का है, फिर अकस्मात आग लगना चालू हो गई। आग ऐसी लगती है कि हर 10-15 मिनट में कहीं आग जो है कहते हैं जो है कपड़े में लग रही है, कहीं भूसे में लग रही है, तो कहीं जो है कहते हैं जो है डलिया में लग रही है, तो कहीं साइकिल में लग रही है, तो इस गद्दे में लग रही है, तो जो है कहते हैं इस तरह लगती है। फिर गाँव के सारे लोग जुटते हैं और जुट करके जो है कहते हैं उसमें पानी डालते हैं। जैसे ही पानी डालते हैं बुझ जाती है। अब तो आज ये कार्यक्रम लगभग हफ्तों से चल रहा है, मगर आज तो बेहद हद हो गई। आज सुबह से कम 20 बार आग लग चुकी है। हमारे ग्राम सभा मेवहारा दारा नगर में एक ऐसा कार्ड हो रहा है कांड, जिससे आए दिन आग लग रही है एक मकान में। एक हफ्ता से बराबर आग लग रही है, ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। फायर स्टेशन वाले आते हैं आग बुझाने के लिए, वो भी काबू नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद ग्रामीण के लोग भी मिल करके सब अपना अपना प्रयास करके आग बुझाते हैं।